नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास शो में जिसका नाम है खेत पर चर्चा। तो खेत पर चर्चा का आज विषय है हमारा किसान भाइयों को कैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए और कैसे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं, जिनका नाम है प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी बीते काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एक सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं और एक सोशल मीडिया सलाहकार के रूप में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को सलाह देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि कैसे वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी फिगर को, मतलब जो पब्लिक फिगर होती है उसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं खबर किसान की के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। नमस्कार, सभी खबर किसान के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। जैसा कि अंकित जी ने बताया कि आज सोशल मीडिया में कैसे किसानों को एक्टिव रहना है, आज उस पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पे आके अपनी फसल और उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। और कुछ अगर मान लीजिए आजकल ऑर्गेनिक का ज़माना चल रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके भी हम लोग कैसे उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए कैसे कस्टमर अपने बना सकते हैं, इसी पर आज अंकित जी से चर्चा होगी। प्रदीप जी बताइए कि जैसे आज हम खेत पर ही खड़े हैं तो एक माध्यम है सोशल मीडिया जिसके तहत हम ये वीडियो भी किसानों तक अपनी पहुंचाएंगे और आजकल किसान भी काफ़ी एक्टिव हैं। इतनी सारी सरकार ने वेबसाइट बना दी हैं, एप्लीकेशंस बना दी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि जो मंडियों के बीच में जो आड़त, जो एक मीडिएटर का काम होता था, सरकार उसको ख़त्म कर रही है। सरकार एप्लीकेशंस ला रही है, सरकार एक वेबसाइट पोर्टल बना रही है जिससे वो डायरेक्ट अपनी खरीद कर सकते हैं, मतलब जो भी उनकी फसल में जो अनाज उगता है वो किसी बिचौलिए के बगैर और सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, सरकार की मुहिम कैसी है और कहां तक कारगर है? सरकार काफ़ी हद तक ठीक कर रही है इस मामले में, क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर लोग सभी लोग मोबाइल यूज़ कर ही रहे हैं। तो उसी सरकार का जो नज़रिया यही है कि जब इतने सारे लोग मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो ऐप के जरिए या सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, अगर आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो पेज आप फॉलो करेंगे ट्विटर पे या फेसबुक पे, वहाँ पे भी आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहेंगी। और इसी तरीके की जो मोदी जी की जो ऐप है और किसी के लिए भी अलग से ऐप बना रखी है सरकार ने, डेडिकेटली ऐप है, उस पे आपको फसल का रेट और उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह की, और इसके अलावा भी, ये तो सरकारी ऐप के बारे में है, बहुत सारी और भी ऐप बना रखी हैं काफ़ी सारे लोगों ने। मौसम की जानकारी भी मिलती है और फसल की कौन से कितना खाद डालना है, कितना, ये सारी चीज़ें आज आप ऐप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, किसान के सामने बड़ी समस्या आती है, वो ये कहता है कि मैं अपने सामान को बेचूं कहाँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शहरों के आसपास से जुड़े हुए जो गांव हैं वहाँ पर किसान फिर भी अपनी फसल को शहरों तक पहुँचा पा रहा है ठीक से, चाहे वो सब्ज़ी उगा रहा हो। तो एक किसान, आम किसान, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कैसे वो जनता तक पहुँचा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जब आप कुछ किसान, जैसे मान लीजिए कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट अपने खेतों में लगा रहे हैं या उसकी पैदावार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेप है कि सोशल मीडिया में आप उसका एक बेसिक एक पेज बना लीजिए और उसके बाद में आप उसको प्रमोट करना शुरू करिए। वहाँ से फिर आपका आगे, जैसे आपने एक ट्विटर पे एक हैंडल बना लिया उसके नाम से, फेसबुक पे एक पेज बना लिया, यूट्यूब पे एक पेज बना लिया, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर करके डालिए, जो प्रोडक्ट है, जो बीज है, जो भी है जो आप कर रहे हो, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और आपके कस्टमर्स भी बनने लगेंगे। हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे अप्रोच करें। और कई मामलों में ऐसा होता है कि कई कंपनियां भी आपको उस पेज को देख के या जो भी आप पेज बनाएंगे उसको देख के आप अप्रोच कर सकती हैं और डायरेक्ट आपसे खरीद सकती हैं। अच्छा, ये व्हाट्सएप बिजनेस का बड़ा चल रहा है आजकल प्रचलन, लोग अपने घर बैठे व्यापार कर रहे हैं, तो किसान इससे भी अब कुछ लाभ उठा सकते हैं? जी, व्हाट्सएप बिजनेस में क्या है कि आप एक छोटा सा ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, जिसमें आपके जो इंटरेस्ट के जो जितने भी किसान भाई हैं और भी जो जितने भी हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आप लोग ग्रुप बना के इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस का फीचर भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे आप नई नई चीज़ें जान सकते हैं अगर कुछ लोग और लोग डाल रहे हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं गन्ने की, तो आप एक ऑर्गेनिक का एक ग्रुप बनाइए गन्ने की खेती से रिलेटेड, और लोगों को वहाँ पे जोड़िए और नए नए आइडिया वो आपको शेयर करेंगे और वहाँ से आपको जानकारी भी मिलेगी।
इसी टाइप का है। तो आपको क्या लगता है, अपने अनुभव के अनुसार आपको क्या लगता है, देश के किसान क्या सोशल मीडिया पर जागरूक हैं? क्या वो YouTube चैनल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या उसको इससे बिजनेस में लाभ हो पा रहा है? देखिए, भारत का जो किसान है, मोबाइल हर किसी के पास है आजकल, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया का अभी भी किसान लोग उपयोग नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जैसे मैंने देखा अभी का यूट्यूब पे और फेसबुक पे अब इंटरटेनमेंट का ही ज़्यादा चलन है। मतलब ये कृषि का, एग्रीकल्चर का अभी भी बहुत है। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे चैनल्स बना रखे हैं, गार्डनिंग के चैनल्स हैं, फार्मिंग के भी काफ़ी सारे लोगों ने बना रखे हैं। तो लेकिन जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं है। अगर आप एक अच्छा चैनल बनाएंगे तो स्वाभाविक बात है आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, आपके कस्टमर्स भी, और वो फॉलोवर्स आपके कस्टमर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं देर से भी। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत होना चाहिए कि कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप या तो एक फेसबुक पे पेज बना लीजिए और एक छोटी शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि आप सभी पेज, सभी प्लेटफॉर्म पे आप बनाने जाएं, फेसबुक पे बना लिया फिर आप साइमल्टेनियसली यूट्यूब पे भी करें। एक शुरुआत करिए, या तो यूट्यूब पे चैनल बना लीजिए, फेसबुक पे, तो वहाँ धीरे से। और उससे भी कमाई होती है, मैंने सुना है यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं देश के किसान भाई? यूट्यूब से पैसा बिल्कुल कमा सकते हैं। जैसे आपने कुछ चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे जो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के चैनल बना रखे हैं, जहाँ पे फूड के चैनल हैं और जितने भी फूड लवर्स हैं उन चैनलों को खेत में जाके जो महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, वो खाना बना रही हैं, कोई नई नई रेसिपी बना रही हैं, बता रही हैं लोगों को, तो उनके देखिए आप उनकी वीडियोस पे 10-10 लाख व्यूज आ रहे हैं, 50-50 लाख व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं वो ऐड के जरिए में। तो उसी तरीके से आप भी एक चैनल खड़ा कर सकते हैं, उसमें आप बताइए कैसे खेती की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, और खेती की भी आप वीडियो देखिए। आप देखिए आजकल जो शहरीकरण जो हुआ है उसे कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं। अब लोग थोड़ा सा गाँव के जो फोटोज़ हैं, गाँव की जो वीडियो हैं, उनको ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप गाँव का दृश्य बताइए, उसी पर आपके 1-1 लाख लाइक आ जाएंगे। मुझे लग रहा है हमारी ये वीडियो भी काफ़ी चलेगी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल, आज हम खेतों में बैठे हैं। तो जाते जाते एक संदेश आखिर में क्या देना चाहेंगे देश के किसान भाइयों को, जैविक खेती के ऊपर और वो अग्रसर हों, खेत अपने गाँव की तरफ वो पलायन करें, शहर की तरफ से भाग कर वो अपने गाँव में वापस जाएँ? और तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे खबर किसान की चैनल के माध्यम से? देखिए ऐसा है कि जो जितने भी अपने जो किसान भाई हैं उनको सोशल मीडिया के टाइम पर ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उनको किस तरह से इसका यूज़ करना है, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का। और जैसा कि आपने बताया कि अब खेती का दोबारा से ज़माना वापस आ रहा है ऑर्गेनिक खेती का, जो नॉर्मल पहले खेती होती थी आजकल वो अमीरों के हाथों में चली गई है ऑर्गेनिक के नाम पे। आप देखिए कि जो चीज़ 20 रुपये की मिलती है ऑर्गेनिक वो 150 रुपये की मिल रही है, आम आदमी उसे खरीद ही नहीं, खरीद ही नहीं पा रहा। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और सारी चीज़ें करेंगे तो आपके मार्केट है, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक बार आप डिजिटल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, वहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार करिए, तो आपको ज़रूर मार्केट भी मिलेगा, कस्टमर भी मिलेगा और आपको अर्निंग भी होगी उससे। और बहुत जल्दी ये चीज़ें होती है डिजिटल माध्यम में आने पर, ये चीज़ें जो फॉलोअर्स होते हैं वो कस्टमर में बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। तो आशा करते हैं हमारे खबर किसान की चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी और वो भी अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, अपना ट्विटर अकाउंट बनाएंगे और अपनी वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या फसल वो उगा रहे हैं, क्या सब्जियां वो उगा रहे हैं और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। आप देख रहे थे अंकित शर्मा को, धन्यवाद।